सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राहुल घटिक एंड यू आर वाचिंग मिस्टर के 401। जैसे कि टाइटल और थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो अपनी 2022 अर्टिका पे होने वाली, क्योंकि इस गाड़ी में थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं। और आज की वीडियो में हम इसका एक छोटा सा वॉक अराउंड वीडियो देने वाले हैं कि इस गाड़ी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और अंदर से और बाहर से कैसी है कार। तो ज़्यादा समय नहीं खाते, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मारुति सुजुकी किरण मोटर्स का, जिन्होंने हमें अर्टिका प्रोवाइड करवा दी शूट के लिए। तो शोरूम की सारी जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार से जरूर आप डिस्क्रिप्शन विजिट कीजिएगा। सो गाइस, ऐसा कुछ है कार का फ्रंट लुक। आ जाइए कि हेडलाइट के बारे में बात करते हैं। ड्यूल मिरर आपको हेडलाइट देखने को मिलेगी विथ हेलोजन, ओके। जैसे चेकआउट के लिए अपना प्रोजेक्टर भी हेलोजन रहने वाला, अपना इंडिकेटर पूरा सेटअप अपना हेलोजन में रहने वाला। जैसे कि आप चेकआउट कर लीजिए, नीचे हाउसिंग दी गई है, पर इस वाले वेरिएंट में आपको फॉग लाइट ऑफर नहीं किए जाते। और ऐसे कुछ ब्रांड न्यू ग्रिल है उसके, देख सकते हो आप। इसमें आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है जैसे चेकआउट कीजिए आगे से, और नीचे से भी आपको ब्लैक पार्ट मिल जाता है जैसे चेक कर लीजिए आप, ओके। और सामने से ऐसे कुछ दिखती है कार। आ जाइए साइड से बात करते हैं कार के बारे में। तो ऐसे कुछ दिखती है साइड लुक से कार। बी पिलर सी पिलर आपको ब्रेक डाउट मिल जाते हैं, और अलॉय व्हील इस वाले वेरिएंट में नहीं है। डोर हैंडल आपको बॉडी कलर मिलते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 185 के आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगी, और इंडिकेटर आपको ORVM में देखने को मिलेगा। जैसे कि चेकआउट कीजिए, काफ़ी सही लग रही है, और MV भी काफ़ी लंबी भी है जैसे चेकआउट कीजिए, ओके। अब इसके पेट्रोल टैंक की बात की जाए तो आपको पेट्रोल टैंक 45 लीटर्स का इस अर्टिका में मिलेगा जैसे चेकआउट कीजिए। और टायर साइज की बात की जाए तो, एक मिनट आ जाइए, आपको टायर साइज भी दिखा देता हूँ। तो ब्रिजस्टोन का अपना टायर रहने वाला है, और साइज की बात की जाए तो 185/65R15 15 इंच का आपको स्टीयरिंग रिम मिलेगा जैसे कि आप चेकआउट कर दीजिए। और ऐसी कुछ दिखती है कार साइड लुक से, और आप इसे वैल्यू फॉर मनी पैकेट भी बोल सकते हो, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली को जितनी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें इस कार में मौजूद है। क्योंकि देख सकते हो आप, काफ़ी सारी चीज़ें हैं कार में, जैसे कि मैं आपको अंदर से भी दिखा दूँगा और बाहर से भी कार काफ़ी बढ़िया लुक देती है। और बात की जाए CNG, तो CNG अर्टिका में आपको दो वेरियंट में देखने को मिलेगी, अपने जो VXI जो अभी आप देख रहे हैं, और एक अपनी ZXI में अभी ही जुड़ी है CNG। आज ये रियल लुक से बात करते हैं कार के बारे में, और ऐसी कुछ है कार रियल लुक से। वोल्वो स्टाइल में आपको टेल लाइट देखने को मिल जाती है, और जो ये वाली पट्टी जो अभी आप देख रहे हैं वो आगे की दो वेरिएंट में आपको क्रोम में देखने को मिल जाएगी, जो काफ़ी देखने में बढ़िया लगती है। नीचे आपको स्मार्ट हाइब्रिड की बेजिंग मिल जाएगी, और इधर अपना अर्टिका, बीच में अपना सुजुकी। टेल लाइट की बात की जाए तो देख सकते हो अपनी हेलोजन में रिवर्स पार्किंग और सब कुछ रहने वाला। हाँ, बट ब्रेक लाइट अपनी LED में रहने वाली जिसे चेकआउट कीजिए। ऊपर चेकआउट कर लीजिए आप हाई माउंटेन स्टॉप लाइट, ओके। वाइपर डिफोगर वॉशर की बात की जाए तो आगे के वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगा, इस वाले वेरिएंट में अभी नहीं है। नीचे आपको 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, प्लस रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। और गाड़ी की विड्थ की बात की जाए तो 1735 mm का देखने को मिलेगा। लेंथ की बात की जाए तो 4395 mm का देखने को मिलेगा। हाइट की बात की जाए तो 1690 mm की इसकी हाइट है। व्हील बेस की बात की जाए तो 2740 mm का इसका व्हील बेस है। टर्निंग डायरेक्शन की बात की जाए तो 5.2 mm का आपको इसको टर्निंग डायरेक्शन मिलेगा। 5.2 mm में पूरी गाड़ी मोड़ जाएगी। और सो गाइस, आ जाइए इसका बूट चेक कर लेते हैं। पीछे आपको कोई बटन देखने को नहीं मिलेगा, नॉर्मली लीवर दिया गया है। बूट प्लेस की बात की जाए तो 209 लीटर्स का आपको बूट प्लेस देखने को मिलेगा, सभी सीट ओपन है। तो और आ जाइए नीचे भी आपको थोड़ी बहुत जगह देखने को मिलेगी। और साइड की बात की जाए, साइड में आपको एक टूल बॉक्स देखने को मिलेगा, इधर भी आप अपने टूल्स रख सकते हो। अब नीचे की बात की जाए, नीचे आपको छोटा मोटा सामान भी रख सकते हो, जैसे चेकआउट कर लीजिए, इसको लगा देते हैं, और इधर से भी आप चेकआउट कर लीजिए, ओके। और स्पेयर व्हील की बात की जाए, स्पेयर व्हील अपना नीचे माउंट है, जैसे कि आपको एक बार चेक करवा दूँ, जैसे चेक कर लीजिए आप। और इस वाले वेरिएंट में आपको सीट रिक्लाइन के लिए ही मिलेगा ऑप्शंस, और हाइट ऊपर नीचे करने के लिए ऑप्शन नहीं है। इधर अपना स्लाइड के लिए, और ये अपने 3 पेडल, और वो रहा अपना डेड पेडल, जैसे कि चेक कर लीजिए। अपना फ्यूल ओपनर खोलने के लिए, और फ्यूल अपनी कैपेसिटी 45 लीटर्स की होगी। और ऐसा कुछ दिखता है कार का डैशबोर्ड। डैशबोर्ड आपको एकदम फ्लैट टाइप का देखने को मिलेगा, जैसे कि आप चेकआउट कर लीजिए। इसका 7 इंच का टच स्क्रीन तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि अपनी जो स्विफ्ट LXI में आता नहीं है वही टाइप का है, जो टच तो होता है पर वीडियो प्ले नहीं कर सके।
नीचे आपको हजार लाइट का स्विच दिया गया है जिसे चेकआउट कर लीजिए और इसके इवेंट ऐसे कुछ नज़र आते जो काफ़ी बढ़िया लगते जो लाइन से ही लगाए गए कम्प्लीटली, इसे चेकआउट कर लीजिए आप। और इधर आ जाइए, इधर आपको एक ग्लव बॉक्स देखने को मिला है, काफ़ी छोटा तो नहीं बोल सकते, बराबर है। और इधर आपको देखने को मिलेगा इसके एसी के कंट्रोल, एक डमी बटन है और एक एसी का बटन है। 12 वोल्ट चार्जर दिया गया है नीचे को जिसे चेकआउट कर लीजिए। AUX ऑक्स दूसरी साइड को दिया गया है जिस देखिए नीचे थोड़ी जगह, और उसके साइड में दो आप वाटर होल्डर तो नहीं बोल सकते, कैन होल्डर मिलेंगे आपको कूल्ड, जिसे चेकआउट कर लीजिए। और इधर बात की जाए तो आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, 1 रिवर्स, और ऑटोमेटिक में आपको 6 स्पीड देखने को मिलेगा। और इसकी मैनुअल हैंड ब्रेक और आर्म रेस्ट इसमें नहीं, और इसका फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग मिल जैसे चेकआउट करिए। क्रूज कंट्रोल इस वाले वेरियंट में आपको ऑफर नहीं किए जाते। और इधर की बात की इधर आपको वॉल्यूम के कंट्रोल मिल जाते हैं, नीचे आपको फ़ोन काटने के लिए, फ़ोन उठाने के लिए ब्लूटूथ के कंट्रोल। और साइड की बात की है तो ऑटोमेटिक आपको हेडलाइट देखने को नहीं मिलेगी, आपको हाथ से सेट करनी पड़ेगी। और इस साइड की बात की इस साइड आपको वाइपर्स के सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं जिसे चेकआउट कर लीजिए। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप चेक कर लीजिए तो ऐसा कुछ रहने वाला है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एक बार इग्निशन ऑन करके भी आपको दिखाई देता हूँ इसका, एक ऐसे बंद कर दो और देख सकते हो ऐसे कुछ लगता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और थोड़ा और इधर आपको सारी वार्निंग मिल जाती है जैसे कि आप ये चेक कर लीजिए। ओके, इधर अपना फ्यूल लेवल, इधर अपना हीटिंग का कांटा, और इस सबको पावर टॉर्क वो सब कुछ चेक कर लीजिए आप। काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं इसमें। अब इसको बंद कर देते हैं और एक भी चीज़ अच्छी दिखा देता हूँ। इधर अपनी प्रॉपर अर्टिका बनी हुई आ जाती है जिसके आप चेक कर लीजिए, इसकी टेल लाइट और सब कुछ जो काफ़ी देखने में बढ़िया लगता है। इसे अभी बंद कर देते हैं और आप आ जाइए एयरबसों की तरफ। और ओआरबीएम से आपको इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मिलेगा जैसे कि देख सकते हो, इधर आपको स्विच है जैसे कि ये खुल गया। ओके, एडजस्ट करना हो तो अभी भी आप इधर से एडजस्ट कर सकते हो। इधर आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, 1 टच अप डाउन का भी आपको स्विच देखने को मिल जाता है। और एक मिनट आपको इसका दरवाज़ा दिखाई देता हूँ, और ऐसा कुछ आपको बेज कलर में देखने को मिलेगा। स्पीकर आपको 4 देखने को मिलेगा चारों दरवाजों में। ट्विटर की बात करें, ट्विटर तो मेरे को कहीं पर दिख ही नहीं रहे, तो ट्विटर इस गाड़ी में शायद नहीं है। और देख सकते हो बेज कलर में ऐसा कुछ लग रहा है। नीचे आपको वाटर होल्डर मिल जाएंगे, बाज साइड में आपको मैगजीन या कुछ भी आप रख सकते हो। अभी इसको बंद कर देते हैं और इस साइड आ जाइए, इस साइड ड्राइवर को ड्राइवर साइड की सीट आप चेक कर सकते हो। हेडरेस्ट सभी आपको एडजस्टमेंट के साथ मिलेंगे और को ड्राइवर साइड का भी डोर आप चेक कर सकते हो। और इधर को आ जाइए, इधर अपना इस सारे एसी वेंट चारों की चारों। ओके, इधर अपना ग्रब हैंडल, इधर अपनी रीडिंग लाइट, इधर आपको लाइट नहीं मिलती पर वैनिटी मिरर जरूर से मिल जाता है। इसको बंद करते हैं, इधर क्या मिलता है तो इधर आपको टिकट होल्डर मिल जाता है और कुछ भी नहीं मिलता। इधर अपना डे नाइट एडजस्टमेंट मिरर। ओके, तो आगे का तो कुछ भी नहीं रहा बताने को, अब चलो आ जाइए पीछे को, पीछे से दिखाता हूँ। लेकिन मैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर देता हूँ, काफ़ी सही है। और हाँ, ये स्टेयरिंग आपको टिल्ट मिल जाएगा, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। और मैं जब इसकी बात कर रहा था तो इसको भी आपको दिखाई देता हूँ ऑन करके, तो कैसा टच है। जो आपने स्विफ्ट LXi में देखा था कुछ वैसा ही इसमें, जैसे कि आपको आगे से रोशनी आ रही तो ठीक से दिख नहीं पाएगा, पर ये पूरा जैसे कि आप इसमें वीडियो तो कुछ भी नहीं देख सकते, हाँ पर गाने वाने चला सकते हैं। और ये पूरा टच ही है जैसे कि आपको दिखा दूँ तो, इसी कुछ छोटी सी स्क्रीन है इस पर, बाकी सारे टच के बटन है इस पर। ओके, जैसे कि चेक कर लीजिए। अब आ जाइए रियर, मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट कर ली। अब मैं आपको रियर में बैठकर भी दिखा देता हूँ, मेरी हाइट 6'2" है। तो चलिए गाइस, खोलते एक चीज़ का बढ़िया लगी कि इसका डोर जो आगे वाला डोर है उससे काफ़ी बड़ा है, क्योंकि आपको क्या होना है थर्ड रो में जाने के लिए यहाँ से ही एडजस्ट करना पड़ेगा, इसलिए ये डोर काफ़ी बड़ा है। जैसे कि आपको उस साइड से जाना हो तो उस साइड से भी जा सकते हैं, पर मेन तो उसी साइड से जाना है। पर आपको इधर से जाना हो तो इधर भी आपको इसको आगे स्लाइड कर और इसको आगे रिक्लाइन कर भी आगे पीछे को जा सकते हो। ओके, जैसे कि आपको दिखाई देता हूँ, चलिए तो इस तरीके से कुछ जा सकते हो। अभी तो ये सारी सीटें फोल्ड, इसको एक मिनट से अनफोल्ड कर देता हूँ यार। तो ये आ गई यार, काफ़ी दम लगाना पड़ रहा है यार। ओके, तो एक बार आपसे इसको पहले सीधा कर देना,
ओके सही है। तो जगह की तो कोई कमी लग नहीं रही मुझे तो यहाँ पे, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा जगह। इसको आगे स्लाइड कर दिए, अब इधर से इसको फोल्ड कर देते हैं। ओके तो ये इधर को फोल्ड हो गई, अब आ जाइए थर्ड रो में। थर्ड रो काफ़ी सही है इसका, जैसे कि चेक कर लीजिए, इधर कोई वाटर होल्डर आपको मिल जाएगा, एक बड़ा सा क्वार्टर ग्लास आपको मिल जाएगा। इधर भी चेक कर लीजिए, इधर से आप इसका बूट एग्जिस्ट कर सकते हो, जिसकी देख लीजिए 209 लीटर का इसका बूट प्लेस। इधर पावर सॉकेट नहीं मिलेगा, पावर सॉकेट आपको करना हो तो आगे से आप कर सकते हो, इधर कुछ भी नहीं है। इधर वाटर होल्डर मिल जाएगा, और तो कुछ भी नहीं है थर्ड रो में। अब ये वाली का सीट तो आगे को हो ही नहीं रही, तो मेरे को ये पूरी आगे करनी पड़ी। ओके और ए सी वेंट आगे को ही है, पीछे को नहीं है। इधर ये अपनी रीडिंग लाइट चेक कर लीजिए, और तो कुछ नहीं है, चार अपने ग्रैब हैंडल ही है। ओके तो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, अब चलिए फटाफट से इसका इंजन भी आपको विजिट करवा देता हूँ। चलिए और इधर आपको इंजन ऑटो ऑफ ऑन का स्विच देखने को मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल का नहीं मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल आपको टॉप मॉडल में मिल जाएगा। इधर आपको थोड़ी जगह देखने को मिल जाएगी, इसको बंद करते इधर आपको हेडलाइट एडजस्टमेंट का स्विच देखने को मिलेगा। नीचे अपने बोनट का है, तो फटाफट से आपको इंजन भी दिखा देता हूँ इसका। और अब इसका इंजन 1.5 लीटर से ड्यूल जेट कर दिया गया है, और इसकी एवरेज की सबसे पहले बात की जाए तो 20.3 केएमपीएल की इसके एवरेज रहने वाली है, और पावर की बात की जाए तो 101.65 BHP 6000 RPM, टॉर्क की बात की जाए 136.8 Nm 4000 RPM पर, और पेट्रोल टैंक आपको 45 लीटर्स का देखने को मिलेगा। और इसकी ऑटोमेटिक की बात की तो ऑटोमेटिक में आपको 6 स्पीड देखने को मिलेगा। लीजिए इधर आवाज़ रोकने के लिए काफ़ी मटेरियल का यूज़ किया गया है। नीचे की बात करें तो नीचे इस वाले वेरिएंट में आपको इंजन कवर तो देखने को नहीं मिल रहा मेरे को तो। ओके और ऐसा कुछ दिखता है इसका इंजन। ओके और जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी उतनी मैंने आपके साथ शेयर की। ओके अब आपका काम बनता है, फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ अगले नए किसी वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।